बड़ा ही अद्भुत है ये काल स्तंभ। पुत्र हनुमान, माँ। पुत्री अंजना, ये तो तुम्हें भी ज्ञात था कि अनिमेष व्रत में निरंतर सूर्यदेव पर दृष्टि टिकाए रखने से मनुष्य जीवन भर के लिए दृष्टिहीन हो सकता है। हनुमान को इस परीक्षा के कारण समस्त बदानी शक्तियों को त्याग करना पड़ा था, किंतु तुमने कठोर संयम के साथ इस व्रत का पालन किया, उसी ने हनुमान को बल प्रदान किया और वो संकट से मुक्त हो पाए। मेरा व्रत सफल रहा, मेरा पुत्र संकट से मुक्त हो गया, किंतु पुत्री तुम्हारे नेत्र तो चले गए। आप क्यों विलाप कर रही हैं माँ? मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई तो क्या हुआ? माता पिता के नेत्रों की ज्योति तो उनकी संतान ही होती है। मेरा पुत्र जब आएगा ना, तो उसकी दृष्टि से मैं पूर्ण संसार देखूंगी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पूर्ण हो गया माता का व्रत, संकट मुक्त हुए हनुमत। सुखी रहे उनकी संतान, माता करती है बलिदान। खोई नेत्रों की ज्योति, तब भी है सुख अनुभूति। पुत्र जीवन रहे सुरक्षित, रहती माता सदा समर्पित। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। पुत्री अंजना, आज तुमने यह सिद्ध कर दिया कि एक माँ अपने पुत्र की कुशलता के लिए कुछ भी कर सकती है। माँ ऐसी ही होती है ऋषिवर, मैंने तो केवल अपना कर्तव्य निभाया है। माता पिता के नेत्रों की दृष्टि उनकी संतान होती है। आयुष्मान भव पुत्र। हनुमान, तुम यहाँ एकांत में क्या कर रहे हो? तुम्हारे कालस्तंभ को इस तरह निहारने से प्रातः शीघ्र नहीं हो जाएगी पुत्र? आप उचित ही कह रही हैं गुरु माता। हनुमान, क्या हुआ पुत्र? तुम इतने उदास दिखाई दे रहे हो, कोई विशेष बात है क्या पुत्र? गुरु माता, ना जाने क्यों मुझे व्याकुलता सी हो रही है। मुझे हर ओर माँ ही माँ दिखाई दे रही है। ना जाने आज क्यों माँ की इतनी चिंता हो रही है, किंतु मैं अपनी शिक्षा पूर्ण किए बिना उनके पास नहीं जा सकता। ऋषिवर, अंजना की दृष्टि वापस लाने का कोई तो उपाय होगा, कोई उपचार। महाराज केसरी,
अनिमेश जैसे कठोर ब्रश से नष्ट हुई दृष्टि को वापस लाने का उपचार कदाचित असंभव है। सेनापति, कहीं तो किसी के पास होगा इसका उपचार। जाइए राज्यभर से, आसपास के पड़ोसी राज्यों से योग वैद्यों को ढूंढ कर लाइए। शीघ्र जाइए। अवश्य महाराज। अब हमें आज्ञा दे ऋषिवर। आप सबका कल्याण। चलो अंजना, चलो। हनुमान, तुम चिंता छोड़कर अपनी शिक्षा पे ध्यान दो। और तुम्हारी माता भी तो यही चाहती है ना कि तुम अपनी शिक्षा पूर्ण करके उनके पास लौटो। हाँ गुरु माता, मुझे आशंका हो रही है कि इतने अल्प समय में मेरी शिक्षा पूर्ण हो भी पाएगी या नहीं। हनुमान की आशंका सत्य है देवी संज्ञा। प्रणाम। शिक्षा प्रदान करने के लिए समय बेहद ही अल्प शेष है। मैं भी समय के नियम से बंधा हूं। संध्या काल के पश्चात और प्रातः काल के पूर्व मैं तुम्हें शिक्षा नहीं दे सकता, अन्यथा कालकुंभ क्षेत्र से लौटते ही मैं तुम्हारी शिक्षा आरंभ कर देता। कोई बात नहीं गुरुदेव, मैं शीघ्र से शीघ्र आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करूंगा। मुझे तुम पर विश्वास है हनुमान कि तुम शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर लोगे। बस अब कोई अन्य बाधा ना आए। उस वानर बालक की शिक्षा को रोकने के लिए एकमात्र यही उपाय है, अश्वो सहित सूर्य देव के रथ की चोरी। सत्य कह रहे हैं लंकेश, सूर्य देव का रथ नहीं होगा तो सूर्योदय नहीं होगा, और प्रातः काल से सायंकाल तक शिक्षा प्रदान करने के नियम से बंधे सूर्य देव शिक्षा ही नहीं दे पाएंगे। और इस कार्य में आपको पातालिका की सहायता करनी होगी। हनुमान की शिक्षा रोकने के लिए मैं किसी की भी सहायता करने के लिए प्रस्तुत हूं। मेरे पुत्र के साथ हुए अन्याय का प्रतिशोध लेने के लिए यही एक सर्वोत्तम उपाय है, सूर्यदेव के रथ और घोड़ों के स्थान के बारे में बताऊंगा और वो देव मंत्र भी दूंगा। उन्हें अपने मंत्रों के साथ प्रयोग करके वो सूर्य देव के अश्वों पर भी नियंत्रण कर लेगी। तो फिर इस शुभ कार्य में विलंब कैसा? आज ही इस कार्य को संपन्न करते हैं। वैद्यराज, आप चुप क्यों हैं? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या आप अंजना के नेत्र की ज्योति वापस ला सकेंगे? आप सब तो महान विद्वान वैद्य हैं, क्या अनिमेश व्रत के द्वारा गई हुई नेत्र की ज्योति वापस लाने का कोई उपचार नहीं है आपके पास? क्षमा कीजिए मैम,
अनिवेश व्रत के समय सूर्य के महातेज से गई हुई दृष्टि को हम वापिस नहीं ला सकते। इसका उपचार असंभव है। हमें आज्ञा दीजिए। स्वामी, स्वामी कहाँ हैं आप? मैं यही हूँ प्रिय। स्वामी, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। स्वामी, मैं जानती हूँ कि आप और सब मेरे लिए बहुत दुखी हैं, किंतु दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं। मुझे तो सबसे अधिक सुख का आभास हो रहा है। सुख का आभास? मेरा मन बहलाने के लिए कह रही हो? नेत्रों की ज्योति जाने से सारा जीवन अंधकारमय हो जाता है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी पीड़ा की कल्पना का आभास है मुझे। स्वामी, जब देख सकती थी तो सदा कुछ ना कुछ देखकर मन यहां वहां भटकता रहता था, किंतु अब मैं मात्र आपको और हनुमान को ही देखती हूँ। आप दोनों में ही मेरा मन लगा रहता है। सच मानिए स्वामी, मुझे तनिक भी दुख नहीं हो रहा है। ना जाने हनुमान पर क्या बीतेगी जब वो तुम्हें इस अवस्था में देखेगा। देखने का बहुत मन हो रहा है माँ, कैसी हैं आप? जाओ पुत्र, अपने गुरुदेव के पास जाओ, अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करो, अपनी शिक्षा दीक्षा पूर्ण कर कर मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूं। माँ का स्मरण रख। जब भी मेरा मन तुम्हारे मुख चंद्र को देखने के लिए व्याकुल होगा, मैं आकाश में स्थित इस चंद्र को देख लूंगी। माँ, मेरी शिक्षा पूर्ण होने में बस 4 दिन ही शेष हैं। जब मेरी शिक्षा पूर्ण हो जाएगी तो मैं सीधे आपके पास आ जाऊंगा। एक पल भी नहीं रुकूंगा, सीधे आपके पास आऊंगा माँ। मैं पूरे मनोयोग से अपनी शिक्षा पूर्ण करूंगा, बस कोई अन्य बाधा ना आए। इतनी रात्रि को कौन हो सकता है? दिव्य अश्व, अति सुंदर लग रहे हो तुम सब, किंतु मुझे बड़ा दुख है क्योंकि तुम सबकी बलि देनी होगी मुझे। यहां से ले जाऊंगी मैं तुम सबको,
तुम सबके नाम गायत्री, प्रियति, उष्णीश, जगती, त्रिष्टुप, अनुष्टुप, पंक्ति, तुम सूर्य देव के सात अश्व, सूर्य देव की सात किरणें, जगत को आलोकित करने वाला प्रकाश, अब तुम सब शक्ति बनोगे लंकेश की। शांत अश्वो शांत। मत उछलो अश्वो, शीघ्र ही तुम मेरे और वरुण देव के बताए हुए मंत्रों में बंधकर मेरे नियंत्रण में होगे। कौन है वहां? क्या हुआ पुत्र, तुम अभी तक विश्राम के लिए नहीं गए? मुझे निंद्रा ही नहीं आ रही थी, किंतु आप यहाँ इस समय क्या कर रही हैं? मैं तो यहाँ अश्वों की देखभाल के लिए आई थी, किंतु तुम यहाँ कैसे आ गए? वो मुझे इतनी रात्रि को किसी की ध्वनि सुनाई दी थी तो मुझे शंका हुई तो मैं चला आया। मेरे अतिरिक्त अन्य कौन यहाँ आ सकता है? तुम्हारी सजगता ये सिद्ध करती है कि तुम कितने अच्छे शिष्य हो, और यही सजगता तुम्हारे भावी जीवन में काम आएगी। किंतु अब जाकर तुम विश्राम करो, तभी प्रातः काल में तुम शिक्षा के लिए पूर्ण ऊर्जा और स्फूर्ति के साथ प्रस्तुत हो पाओगे। उचित है गुरु माता, प्रणाम। मनस्तकेतनये मान आयुषी मान घोषु मान अश्वशु वीरिका मान विविरान रुद्र भामिनो व्याधीर विष्मन्तः सद्मित्वा हवामहे ओम अस्त्राय फटु। अब वरुण देव का दिया गया मंत्र और इसके बाद ये सभी अश्व मेरे वश में होंगे। गुरु माता के होते हुए भी समस्त अश्व इतने व्याकुल और अशांत क्यों है? हाँ,
तरह। भेष बनाकर छल से गुरुदेव का रथ चुरा लिया है। कौन हो सकता है ये? मुझे पता लगाना ही होगा।